नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ उकराम सोलंकी। खरगोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17,40,000 रुपये किए जब्त। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्व मतदान संपन्न कराने के लिए वाहनों की संघन जांच की जा रही है। इसी दौरान फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने जांच के दौरान 17,40,000 रुपये की नकद राशि जब्त की है। बता दें कि मतदाताओं को प्रभावित करने वाली नकदी, मदिरा, अन्य सामग्री परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 185 में खरगोन की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने औरंगपुरा में वाहनों की जांच के दौरान चांदनी चौक सेगावा जिला खरगोन निवासी संजू पिता चिमनलाल अग्रवाल के वाहन क्रमांक MP10CA6451 से 17,40,000 रुपये की नकद राशि जब्त की है। किस प्रकार कार्रवाई की गई? ये आज जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा जो नामांकन प्रक्रिया के फॉर्म जो जारी किए जा रहे हैं, नामांकन प्रक्रिया दाखिल की जा रही है, इस संबंध में चेकिंग लगाई गई थी। और औरंगपुरा पे चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद कलर की बोले डिजायर गाड़ी में चेक किया गया, तो उसमें एक नकदी केस पाया गया था। और FST-1 जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो माननीय निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार जो कार्य कर रही है, उसने और हमारा थाना कोतवाली की पुलिस ने उसमें से केस करीब 17,40,000 जब्त किए हैं, जिसकी की कार्रवाई अभी थाने पर की जा रही है। कौन सर इसमें ला रहा था, कहां से ला रहे थे ये? अभी प्रथम दृष्टया तो सेगांव के हैं और यहां से खरगोन से ले जा रहे थे। और बाकी संपूर्ण जाँच जो है, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा का केस है, तो इसकी जांच का अधिकार इनकम टैक्स को है, तो उनके द्वारा इनकम टैक्स ऑफिसर हमारे थाने पे आए हैं, उनके द्वारा जांच की जा रही है और जांच करके फिर उनके द्वारा रिपोर्ट श्रीमान कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत की जाएगी। हाँ, राशि जब्ती की कार्रवाई चल रही है। ये चूंकि इनकम टैक्स के समक्ष प्रमाण जो है वो कार्रवाई अलग से होगी, अभी तो केवल जो प्रारंभिक कार्रवाई वो की जा रही है।